हेलो सब्स, तो खुश तो होना सब लोग। तो आज हम बनाएंगे फुटर, ठीक है? और आपको दिख रहा है जैसे फुटर है, और मैंने इतना पार्ट छोड़ा आपके, जो भी आपको ऊपर कंटेंट होगा, ठीक है, वेबसाइट का, वो आप यहाँ बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली होता है हर वेबसाइट में। ऊपर कंटेंट होता है, जो भी आपका हीरो सेक्शन है या फिर जो भी सेक्शन है, आप ऊपर बनाएंगे, और फुटर हमेशा नीचे होता है। तो हमने यहाँ पे फुटर बनाया नीचे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम जो प्रोफेशनल टाइप का फुटर होता है वैसा बनाया हमने, ठीक है। हाँ, आ चुका आइकन, क्योंकि नेट नहीं चल रहा है तो आइकन आते आते रहेंगे, तो कोई बात नहीं है इससे। तो जैसे मैं इसको ओवर करता हूँ, तो ये वाला इफेक्ट मैंने डाला है, ठीक है, ये देखिए। और इस पर भी रेड, इस पर भी रेड, इस पर ब्लू, ठीक है। और ये नॉर्मल सा है, ठीक है। यहाँ पे बटन है ये हमारे, ठीक है, और ये हमारे लिंक्स हैं, जैसे कि होता है। मैं चाहता तो इसमें होवर डाल सकता था, ठीक है, होवर इफेक्ट पे आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मैंने कुछ नहीं दिया, बस आपको दिखा दिया कि होवर हम कर सकते हैं किसी पे भी, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल, और ये रिस्पॉन्सिव भी है पूरा, ठीक है। तो हम मैंने सिर्फ ये फुटर रिस्पॉन्सिव बनाया, ठीक है, इसको नहीं बनाया क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया। तो देखते हैं कैसे रिस्पॉन्सिव है ये। तो ये रहा, ठीक है। तो जब मैं इसको करूँगा इसके लिए, तो जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव में ले जाऊँगा, आप देखना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो एक टाइम पे आके ये यहाँ पे आके कहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आपका डिज़ाइन थोड़ा ख़राब होने लगे, आपको लगता है कि यहाँ पे ख़राब हो सकता है, तो आप वहाँ पे सही कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और चल सकता है, ठीक है, यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है। तो मैंने कहाँ पे किया, यहाँ ध्यान देना, 1000 पे मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, अपने एक्सपेंसिव के हिसाब से, ये देखिए, ठीक है। तो एक टाइम पर आके फिर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अभी चार पार्ट थे तो यहाँ पे दो पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जब मैं और छोटा करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही रहेगा, इसको और छोटा अपने आप होता रहेगा, और ये भी। और एक टाइम पे आके ये, फिर जब आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत कम गैप है, या फिर आपका डिज़ाइन टूट रहा है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइम पर आके फिर आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे सब सिंगल लाइन में आ जाएंगे मोबाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये भी एक सिंगल लाइन में आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये भी जब यहाँ पे था और ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप कितना भी छोटा कर सकते हैं अब आप, ठीक है, यहाँ देखिए पूरा परफेक्ट है। तो ये हर मोबाइल पे चलेगा, इसको इग्नोर करना है, इस पर हमने कुछ किया नहीं हमने। और आईफोन ऐसी परफेक्टली, ठीक है, और Pixel 5, सरफेस प्रो, ठीक है, ऐसा दिखेगा। और गैलेक्सी डुओ परफेक्ट है, और इस तरह से सारे डिवाइस पे चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, और बनाने में मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे, वीडियो लंबी होगी, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और आपको एस्टीमेट दिखाता हूँ। तो आ चुका हूँ अपने मैं विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा एस्टीमेल का पार्ट, और ये है हमारा CSS जो मैंने लिंक करके रखा, और ये फॉन्ट ऑसम आइकन, जो कि मुझे तीन आइकन चाहिए थे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिंक करके रखा है मैंने ऑनलाइन। और उसके बाद मैंने एक सेक्शन लिया जो कि हमारा हेडर वाला पार्ट होगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है डिज़ाइन का। उसके बाद मैंने लिया फुटर, ठीक है, तो फुटर टैग होता है, उसको मैंने क्लास भी दिया फुटर, तो आप कुछ भी दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली फुटर का फुटर ही देंगे, वरना आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डिव लिया जिसको मैंने क्लास दिया न्यूज़ लेटर, और उसके अंदर एक और क्लास है कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में देता हूँ अपने डिज़ाइन में, ताकि वो एक कंटेनर के अंदर रहे। तो आप देख सकते हैं ये डिव जो है यहाँ पे शुरू, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये कौन सा वाला पार्ट है मैं बताता हूँ, ये है ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। ये कंटेनर हमने न्यूज लेटर लिख रखा है, और इसको हमने शॉप लिस्ट लिख रखा है, ठीक है, क्लास नाम से, ठीक है, शॉप लिस्ट इसके क्लास नाम है, और इसका न्यूज लेटर, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शुरू, यहाँ पे ख़त्म, और उसके बाद हमारा शॉप लिस्ट शुरू होता है, जिसके अंदर शॉप लिस्ट क्लास है, और ये कंटेनर भी क्लास दे रखी है, और ये शॉप लिस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर हमारा फुटर ख़त्म होता है, ठीक है। तो दो डिब है मेन, यानी कि फुटर के दो मेन चाइल्ड है, ठीक है, फुटर इनका एक पेरेंट है। अब न्यूज़ लेटर के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे डिब हैं, एक डिब यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, एक डिब यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, एक डिब यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म। जो हमारा पहला डिब है उसको मैंने क्लास दिया सब्सक्राइब न्यूज़, ठीक है, H2 पैराग्राफ, जो कि हमारा ये होगा सब्सक्राइब न्यूज़, ये वाला सेक्शन H2 पैराग्राफ। फिर हमने डिब लिया है सर्च कंटेनर, क्योंकि हमारा ये होगा, ये पूरा सर्च कंटेनर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये बटन भी सर्च कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है। इसको मैंने, इसके अंदर आप देख सकते हैं एक डिब लिया जिसको मैंने क्लास दिया सर्च, उसके अंदर हमने लिखा इनपुट, और साथ में एक बटन टैग, मतलब एंकर टैग लिया जिसको हम बटन बनाएंगे सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये है हमारा एंकर टैग, मतलब ये है हमारा इनपुट टैग सर्च कंटेनर के अंदर, सर्च के अंदर, और ये हमारा बटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मली इसके नीचे आएगा, पर हम इसको साइड बाय साइड करेंगे, इसलिए मैंने डिव सर्च कंटेनर जो है उसके अंदर भी दो चीज़ें ले रखी हैं, इसके भी दो पेरेंट है, मतलब दो चाइल्ड है, ठीक है। सर्च कंटेनर इनका एक पेरेंट होगा, और ये इनके दो चाइल्ड होंगे, ठीक है, एक चाइल्ड ये और एक चाइल्ड ये वाला डिव,
ठीक है। और उसके बाद हमने लिया है डिव, जिसको हमने कहा था सोशल लिंक। उसके अंदर हमारे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन आइकन, क्योंकि ये हैं। और आइकन हम ऐसे लगाते हैं फॉन्ट ऑप्शन के, आपको जब फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे और आइकन सर्च करेंगे तो आपको ये क्लासेस मिलेंगे, आप उठाएंगे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और ये एफ ए टू, ये होता है कि अगर मैं इसको हटा दूँ तो सेव करूँ तो आपको पता लगेगा क्या होता है। ये देखिए फेसबुक का लोगो छोटा हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोगुना करने का मतलब ये होता है, ठीक है। आप ऐसे ऐप पे 2x कर सकते हैं, आपको फिर से ऐसे फॉन्ट बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये डबल हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म होता है न्यूज़ लेटर वाला पार्ट, ठीक है। अब हमारी बारी है शॉप शॉप लिस्ट बनाने की, ठीक है। जो कि आप क्लास नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके अंदर एक हमारा ये पार्ट दिख रहा है आपको, एक ये पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। अब बात यह है कि हमें तीन डिव बनाने, अगर मैं इसको जब रिस्पॉन्सिव करूँगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स से बना रहा हूँ, सीएस फ्लैक्स बॉक्स से, तो जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव में लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में टूट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये एक डिब होगा, ये एक डिब होगा, ठीक है। तभी हम इसको दो पार्ट में तोड़ पाएंगे। उसके बाद नॉर्मली में जाके ये एक एक सिंगल में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मली आएगा ही, ठीक है। तो नॉर्मल में ये चार में है। इसके बाद जब हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, इसका मतलब ये एक डिब होगा पूरा, एक डिब में ये पूरा आएगा, ये दोनों आएंगे, फिर दूसरे डिब में ये दोनों आएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया है, और नॉर्मल में हमारे कितने डिब हैं, एक ये लोगो वाला, एक ये वाला, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, तीन डिब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ गया। हाँ, तो ये हमारे शॉप लिस्ट यहाँ शुरू होता है, एक डिब हमारा लोगो वाला यहाँ पे शुरू, यहाँ पे ख़त्म। फिर मैंने लिखा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वो मैं क्लास का नाम कुछ भी दे दिया, बस बना रहा था। तो फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये डिब, एक ये डिब, मतलब एक ये डिब और एक ये डिब, कौन सा है, शॉप वूमेन, शॉप मैन, ठीक है। एक ये डिब, एक ये डिब, ठीक है। तो दोनों कंटेंट दोनों का सेम है, बस यहाँ पे नाम चेंज है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये हो गया। और देख सकते हैं आप, इसके अंदर मैंने एक और डिब लिया है जिसको मैंने क्लास दिया है लिंक्स, और सब में एक कॉमन क्लास है लिंक्स, लिंक्स, ठीक है। इसको भी लिंक्स और इसको भी लिंक्स, और एक इंडिविजुअल क्लास भी है, आप चाहे तो दे सकते हैं, आप नहीं चाहे तो दे सकते हैं। क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी इसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करने की या फिर स्टाइल करने की, तो आप इस क्लास से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अलग से रखा था, ऐसा कोई काम नहीं है इस डिज़ाइन में इसका, फिर भी मैं दे देता हूँ हमेशा। इसके बाद फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने एक डिब लिया, इसको क्लास दिया लिंक्स, और अलग से क्लास दिया शॉपमैन। उसके अंदर एक मैंने पी लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इतने सारे लिंक्स लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ होगा शॉपमैन, और ये हमारे लिंक्स होंगे, ये पैराग्राफ होगा लिंक्स होंगे, ये पैराग्राफ होगा लिंक्स होंगे, ये पैराग्राफ होगा लिंक्स होंगे। सेम स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे उसमें, बस इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म। फिर एक और सेकेंड पार्ट में तोड़ा है, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे हमारा शॉप लिस्ट वाला सेक्शन खत्म। अब आप देख सकते हैं इसमें तीन डिब है टोटल। तीन डिब कैसे हैं, एक ये यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, एक चाइल्ड मतलब शॉप लिस्ट का एक चाइल्ड ये हो गया पूरा, फिर दूसरा चाइल्ड हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और तीसरा चाइल्ड हमारा ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ये एक चाइल्ड, ये दो चाइल्ड, ये तीन चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, एक चाइल्ड, दो चाइल्ड, तीन चाइल्ड, ठीक है, ग्रुप में, ताकि जब मैं शॉप लिस्ट को डिस्प्ले फ्लैग दूँ तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो, एक दो तीन, ठीक है। ये दोनों एक ही में, ये दोनों एक ही में, ठीक है। तो आई होप आपको एस्टीमेट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सीएसएस में और हम सीएस शुरू करते हैं, ठीक है। मैं सीएस डिलीट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सीएस डिलीट करने के बाद पूरा का पूरा नॉर्मल एचटीएमएल इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं बेसिक लिख लेता हूँ एचटीएमएल, जो मैं हर बार लिखता हूँ। ये मार्जिन पैडिंग खत्म करने के लिए मैं स्ट्रिक साइन लगाऊंगा, मार्जिन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मैंने फॉन्ट फैमिली भी दे दी इसी के अंदर, क्योंकि एक ही फॉन्ट है, और मैंने नॉर्मल फॉन्ट दिया सिस्टम फॉन्ट, ठीक है। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं फॉन्ट आपके ऊपर का। अब मैं बना लेता हूँ हेडर, चलो हेडर छोड़ देते हैं, बाद में बनाएंगे, क्योंकि हेडर फिर बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। मैं भी लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर को मैक्स विड्थ दूंगा 1440 पिक्सल, और जो विड्थ दूंगा 90%, ठीक है। और मार्जिन 0 ऑटो कर दूंगा, 0 ऑटो। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है, इसको नहीं गया, ये हेडर वाला पार्ट नहीं है हमारा, मतलब ये हेडर वाला पार्ट है, ये सेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कंटेनर नाम का क्लास है वो हमारा इसमें आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जो कि हमारा फुटर वाला पार्ट होगा। आप क्लास में लिख सकते हैं, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं फुटर। मैं इसको देता हूँ BG कलर, हैशटैग मैंने प्योर ब्लैक रखा था नॉर्मल में, मैं इसको 111 रहने देता हूँ, ठीक है। और जितने भी हमारे कलर हैं इसके अंदर,
जो नॉर्मल कलर है, मतलब जितने नॉर्मल टाइप के कलर वाइट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखता रहे, ठीक है। तो ये है अब मैक्स साइज़ का मतलब ये था कि मैंने अपने बहुत वीडियो में समझाया भी है जब मैं पूरी वेबसाइट बना रहा था उसके अंदर, तो उसका मतलब ये है कि मैं रिस्पॉन्सिव पे जाता हूँ का नॉर्मल विंडो की साइज़ मतलब नॉर्मल स्क्रीन की साइज़ अगर छोटी है फिर तो कोई बात नहीं है, 1300 पिक्सल की है तो 1300। अगर आपका स्क्रीन बहुत बड़ा है 4K में या 2K में तो आपका जो वेबसाइट है वो एक स्ट्रक्चर में दिखेगा इतने के एरिया के अंदर, ठीक है, ताकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैल ना जाए जैसे कि ये पूरा फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको कंटेंट बहुत कम दिखता है, ठीक है, और स्पेस बहुत ज़्यादा दिखता है जो कि बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे बनाते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट्स, हमेशा एक नॉर्मल मतलब एक कंटेनर के अंदर बनती है ताकि एक लिमिटेड साइज़ हो, ठीक है, क्योंकि आपको माउस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ट्रैवल ना करना पड़े, एक जगह से काम हो जाए आसानी से, ठीक है, इसमें आपको माउस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये पूरे वेबसाइट अगर आप बनाएंगे तो वो भी एक इसी स्ट्रक्चर में होगा, ऊपर का हेडर भी इसी में होगा, सारे सेक्शन इसी के स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। 1-2 पिक्सल इधर उधर हो सकते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर सा बना रहे डिज़ाइन की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको मैक्सिमम विड्थ दिए 1440 पिक्सल जो कि यहाँ पे शुरू होगा, मतलब इतना होगा 1440 और यहाँ पे कहीं यहाँ पे ख़त्म होगा कहीं पे, ठीक है। और जब ये छोटी स्क्रीन पे आएगा तो इसकी मैक्सिमम विड्थ होगी 90%, ठीक है। अगर ये 100% है अभी अभी अब 100% पर आ चुका है 1440 से नीचे, तो ये 90% पर रहेगा, मतलब इतनी गैप इतना गैप इसका हमेशा रहेगा, चाहे कितनी भी छोटी स्क्रीन हो चाहे कितना भी बड़ा स्क्रीन हो, बड़े स्क्रीन पर तो इतना गैप रहेगा, नॉर्मल पे बड़े स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा गैप रहता है कि आप जितनी बड़ी स्क्रीन लाएंगे ये 1440 से ऊपर जाएगा ही, ठीक है, और नॉर्मल पे ये हमेशा इतना गैप लेके ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको कंटेनर वाला पार्ट समझ में आया। तो फुटर में मैं देता हूँ लाइन हाइट 1, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत बहुत स्पेस भी है कहीं कहीं पर, तो हम लाइन हाइट मैं बंद कर दूंगा, तो नॉर्मल लाइन हाइट हो जाएगी सबकी, और हम लाइन हाइट या स्पेसिंग बाद में खुद से करेंगे, ठीक है, मार्जिन पैडिंग लगा के। और मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा, पैडिंग टॉप डाउन से 3 रैम और लेफ्ट राइट से 0, क्योंकि लेफ्ट साइड से वैसे ही हमारे पास स्पेस है, तो टॉप डाउन से हमें पैडिंग मिल चुका है ताकि ये सेंटर में रहे, थोड़ा स्पेस के साथ अच्छा लगे, ठीक है। अब बारी हमारे न्यूज लेटर की, जो हमारा ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो इसमें 3 पार्ट था, आपको पता है कि 3 पार्ट में टूट जाएंगे। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो आप देख रहे हैं एक पार्ट ये हो गया हमारा न्यूज लेटर तक ऑल प्रोडक्ट्स, दूसरा पार्ट हमारा ये सर्च कंटेनर, तीसरा पार्ट आइकन जो कि दिख नहीं रहे क्योंकि नेट नहीं है, ये देखिए आ चुका है, ठीक है। तो 3 पार्ट में टूट चुके हैं, अब मैं इसमें करूँगा जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, सेव करता हूँ, तो ये तीनों के तीनों अपने अपनी जगह पे चले जाएंगे इधर उधर, ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगा पैडिंग बॉटम 4 रैम, ठीक है, और बॉर्डर बॉटम 1 मिनट 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ताकि वो लकीर हमें मिल सके जो लाइन हमने बनाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पैडिंग हमने इतना दिया ताकि हमें इतना स्पेस मिल सके और नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। तो हमारी बारी है अब न्यूज लेटर का पार्ट ये तो खत्म, अब बारी है डॉट सब्स न्यूज, ठीक है। और उसके अंदर जो हमारा H2 था ये क्या था हमारा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जो हमारा यहाँ पे चलता हूँ मैं पहला पार्ट, हाँ ये देखिए न्यूज लेटर यहाँ पे शुरू यहाँ पे खत्म, इसके अंदर जो पहला है हमारा ये हमारा पहला, क्योंकि मैं सब्सक्राइब है इसकी मतलब लास्ट नेम सब्सक्राइब न्यूज़ है, जो H2 है और P इसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद सर्च कंटेनर की बात, ठीक है। हमारा सब्सक्राइब H2, तो मैं इसको फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.5 रैम, ठीक है, पिक्सल भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं 400 और मार्जिन बॉटम कर दूंगा मैं 1 रैम, ठीक है, स्पेस 1 रैम, ऐसे क्या होगा ये देखिए यहाँ पे स्पेस मिल चुका है हमें मार्जिन बॉटम 1 पिक्सल का, और यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। अब जो हमारी बारी है सब्सक्राइब न्यूज के अंदर जो पैराग्राफ है हमारा, ठीक है, उसको मैं दूंगा फॉन्ट साइज 1 रैम, ठीक है, देखिए मैंने फॉन्ट साइज दिया नॉर्मल ही है। अब इसको हमें नीचे लाना प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ताकि इतना बड़ा ना लगे यहाँ पे, तो हम इसको फिर दे देंगे UID, आप पिक्सल में देख सकते हैं, रैम में देख सकते हैं, मैं एक नया नया करेक्टर है इसमें देता हूँ 30CH 32CH, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा और इसकी विड्थ यहाँ तक आएगी, ठीक है। और CH एक यूनिट है, जैसे रैम है वैसे पिक्सल है वैसे ही एक CH है, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है न्यूज लेटर यहाँ पे पूरा का पूरा, मतलब ये वाला पार्ट हमारा पूरा बन चुका है। अब बारी हमारे कंटेनर की, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सर्च SERCH सर्च कंटेनर, मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटर में आ चुके हैं, विड्थ कर दूंगा मैं 50%, ठीक है, सेव करता हूँ,
आपको वृत्त दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ अभी किया नहीं है। अगर मैं इसको बॉर्डर दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बॉर्डर हमारा 50% यहाँ तक हो रहा है। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये पूरा ले लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि इस स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगेगा तो हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, ठीक है, और जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं 50% करता हूँ ताकि अपने अकॉर्डिंगली ये 50% ले ले 100% की जगह, ठीक है, तो इतना सही है। उसके बाद हमारी बारी है, मैं इसको हटा देता हूँ अब। डॉट सर्च कंटेनर के अंदर जो हमारा डॉट सर्च है, ये जिसके अंदर हमारा इनपुट था, ठीक है, सर्च कंटेनर के अंदर अंदर हमारे दो चीज़ें, एक सर्च है और एक हमारा बटन है, ठीक है। और सर्च कंटेनर के अंदर हमारा एक सर्च है, बटन है, ये सर्च के अंदर जाएंगे हम। इसको मैं विड्थ दूंगा 100%, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंगली 100% लेगा, ठीक है, जितना भी इसको चाहिए होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एक चीज़ और, सर्च कंटेनर के अंदर हमारा इनपुट होगा, ठीक है, और इसको मैं दूंगा विड्थ 100%। तो आप देख सकते हैं सर्च करने पे इसने 100% अपने आप ले लिया, ठीक है, क्योंकि सर्च को हमने 100% दिया है और इसने 100% इस 50% के अकॉर्डिंगली लिया है, ठीक है। इतना इसका 50% था, वो इसका 100% बन चुका है, ठीक है। अब ये इसका 100% लेगा क्योंकि इनपुट जो है वो सर्च के अंदर है, ठीक है, तो अपने आप ये लेता रहेगा। तो इससे रिस्पॉन्सिव अच्छा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कम करूँगा तो ये इसके हिसाब से 100% ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, इसलिए हम इसको एक डिग के अंदर रखते हैं ताकि वो हमेशा अच्छा सही सलामत रहे। अब मैं पैडिंग दे देता हूँ 1 EM, ठीक है, रैम 2 चाहे EM 2, बॉर्डर कर दूंगा मैं 9। तो देखिए हमारा 1 EM इतना आ चुका है। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ उस पर तो एक ये लाइन बन के आ रहा है, वो कहता है आउटलाइन, इसको हम अभी हटा देंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन लिखूंगा मैं 9, ठीक है, बॉर्डर हमने हटा दिया था पहले ही। और फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 1 रैम, ठीक है, ये हमारा हो चुका है इनपुट का काम। अब हमारी बारी है बटन की, ठीक है, तो सर्च कंटेनर के अंदर जो हमारा .btn है बटन, ठीक है, मैंने क्लास दिया था बटन नाम से एंकर टैग को, ठीक है। तो एंकर टैग बनाने के लिए आप क्या करते हैं हमेशा, मतलब मैं तो हमेशा यही करता हूँ, आप पता नहीं क्या करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन, और उसके बाद कलर कर दूंगा मैं वाइट, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं रेड, ठीक है, फॉन्ट साइज कर दूंगा मैं 1 रैम, और पैडिंग दे दूंगा मैं टॉप डाउन से 1.1 EM और लेफ्ट राइट से 1.15 EM, ठीक है, और मार्जिन कर दूंगा मैं लेफ्ट 1 रैम, ठीक है। तो ये देखिए, ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, टेक्स्ट डेकोरेशन आएगा। तो इससे क्या होता है, जो लाइन है अंडरलाइन वो हट जाती है, ठीक है, देखते हैं लाइन आ रही है, तो यहाँ पे हम करेंगे डेकोरेशन, ठीक है, सेव। तो देख सकते हैं आपको ये सब कुछ मिल चुका है हमें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मिल चुका है, कलर मिल चुका है, डेकोरेशन डन हो चुका है, पैडिंग मिल चुकी है टॉप डाउन से लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा सब कुछ। अब बारी है आइकन्स की, तो आइकन्स को हम सेम ही, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ है कि ये यहाँ पे ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये एकदम सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने इसको एक प्रॉपर्टी दी थी अलाइन आइटम सेंटर। अब एक प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर हटा दूँ, जो कि मैंने कहाँ पे दिया था, यहाँ पे सर्च कंटेनर हूँ, सेव करूँ, तो अब देखते हैं बटन का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने एक और तरह से फिक्स कर दिया इसे। ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, इसके लेवल में जाना चाहिए, तो इसलिए, लेकिन अगर मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ इसके लेवल पे, तो ये बटन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पे जो बटन है हमारा, डिस्प्ले फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है, तो मैं लिखूँगा अलाइन सेल फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपनी जगह पर चला गया इसके अकॉर्डिंगली बराबर में, ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंगली। अब सेम इसी के साथ करेंगे, तो ये हमारा सर्च वाला था या फिर सर्च कंटेनर था, कौन सा था, इनपुट था या सर्च था, यहीं पे लगा देता हूँ मैं अलाइन सेल फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, सर्च करता हूँ, तो देखिए ये ऊपर आ चुका है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अब तीनों लाइन में है। तो इतना काम हमारा हो चुका है पूरा। अब इसको होवर भी देना है, तो होवर दे देते हैं यार, इस होवर वाला काम बहुत लंबा है क्योंकि बहुत क्लासेज हैं इसके अंदर, लंबा नहीं है, मतलब ईजी है, बस लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा डॉट सोशल SOCIAL सोशल, अंदर जो हमारे आई नाम के क्लासेज हैं, मतलब आई नाम के टैग्स हैं, तो मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा मैं 1 रैम, ठीक है, ट्रांजिशन दे दूंगा मैं ऑल 0.3 सेकेंड, ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे गैप मिल जाएगा हमें,
ये अपनी मिला, ठीक है। सोशल लिंक्स है इसका, क्लास का नाम मैं भूल गया था, LINKS लिंक्स, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करता हूँ। ये एक तो ये दिक्कत करता है, तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस मिल चुका है हमें, ठीक है। अब बार बार मैं ये आइकन गायब हो जा रहा है, मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है यहाँ पे आकर, तो मैं एक बार बना लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं लिखूँगा सोशल आइक लिंक्स के अंदर जो .fa fsc फेसबुक को जब मैं करूँगा होवर, ठीक है, ये फेसबुक क्लास का नाम है, ठीक है। डॉट फेसबुक होवर फेसबुक .fa-facebook उसका नाम है क्लास का। तो मैं करूँगा इस पर होवर, तो क्या होगा, कलर तो होगा हमारा ब्लू, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म होगा हमारा रोटेट बाय 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री, ठीक है। और सेम इसी तरह से डॉट सोशल लिंक्स के अंदर जो हमारे .fa-instagram.social/links_hamare.fa.youtube है, इसको जब मैं दूंगा इन दोनों को कलर रेड, दोनों ऑलमोस्ट रेडी होते हैं, और ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं रोटेट वाई, ठीक है, 180 डिग्री। तो सेव किया, ओके, यह रेड हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे होवर भी देना है, होवर लगाना है, ठीक है, यहाँ पे भी होवर लगाना है। अब सेव करता हूँ, मैंने सेव किया तो देखिए, ठीक है, ये देखिए रोटेट हो रहा है 180 डिग्री, ये भी कलर भी चेंज हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है रेड, और ये भी, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ चुका होगा। अब बारी हमारे नीचे वाले पार्ट की, अब बारी हमारे शॉप लिस्ट, ठीक है, शॉप लिस्ट, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला क्लास था। अब इसके अंदर आपको पता था कि हमने तीन क्लास, तीन डिप बनाए थे, इसके तीन चाइल्ड है, एक ये वाला, एक ये दोनों मिला के एक, और एक ये दोनों मिला के एक, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटर में आ जाएगा, फिर मुझे सबको एक लाइन पर रखना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं गैप दे देता हूँ यहाँ पे, गैप 3 रन, कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि गैप तो इसमें बहुत है वैसे भी, फिर भी दे देते हैं। सेव किया तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आप सोचेंगे इसको कैसे करेंगे, ठीक, इसको भी सिंपल ही करेंगे, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को दिया, इसको भी वही करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ये नॉर्मल था, एक के नीचे एक था, जब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो साइड बाय साइड हो चुके हैं, क्योंकि तीन डिप तो तीन साइड बाय साइड। और जब मुझे वापस इनको नीचे करना होगा, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी हटाए, तो एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले मतलब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स होता है जो कि इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है वो रो में होता है, ठीक है। अब ये रो में है, फ्लेक्स डायरेक्शन ही रो में है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन ये रो है, ठीक है। इसे करूंगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये देखिए जैसा था वैसा ही है। अगर मैं इसको कर दूंगा कॉलम, ठीक है, तो ये जैसा पहले था वैसे ही आ चुका है, ठीक है। नॉर्मली ये हमें गैप दिख रहा है बस, ठीक है। तो ये हमारा साइड नीचे लाने का काम करता है, तो इसका हमारा अभी तो कोई काम नहीं है, ठीक है, जब हम करेंगे तब करेंगे। कंट्रोल एक्स, इतना हमारा हो चुका है। अब मैं काम करूँगा मार्जिन टॉप टॉप करूँगा 3 रैम, ठीक है, ये लाइन से नीचे हमें गैप भी चाहिए होगा। सेव करता हूँ, तो हमें गैप मिल चुका है यहाँ पे। अब बारी है हमारे जो हमने दो क्लासेस बनाई थी ना, इन दोनों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा फर्स्ट पार्ट कॉलम मतलब कॉमा डॉट SECOND सेकेंड PRT पार्ट, ठीक है, दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए ये दोनों भी, क्योंकि एक डिप के अंदर हमारा क्या था, ये वाला डिप था और ये वाला डिप था, ठीक है। इसके अंदर भी सेकेंड वाले के अंदर हमारा ये वाला था, ये वाला था। अब हमने जो पहला वाला, अगर मैं इसको हटाऊँ, मतलब मैंने दोनों को एक साथ किया है, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। सेव करूँ तो जो हमारा पहला वाला था वो अब साइड बाय साइड आ चुका है, ठीक है। और इसको भी हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन लिखने से अच्छा यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगा जो क्लास का नाम था उसके सेकंड पार्ट, ठीक है। और ये अब दोनों, अब चारों एक साथ आ चुके हैं, ठीक है, हमें ऐसे ही दिखाना था। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है, बिटवीन नहीं करूँगा, ठीक है। अब अराउंड से क्या होगा कि स्पेस मतलब इनका जो स्पेस है वो इवनली लगेगा, अगर मैं अगर इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है, अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम आएगी तो तब करेंगे, ठीक है, मतलब अजीब लगेगा दिखने में इसलिए। अब विड्थ रहने देते हैं, बाद में समझाऊंगा विड्थ वाला। अब लिखता हूँ मैं लिंक्स, ठीक है, LINKS लिंक्स। अब आपको पता है कि लिंक्स के अंदर क्या है, ठीक है, यहाँ तो आ गया लिंक्स, हाँ,
और ये है हमारा मेन क्लास लिंक, जिसके अंदर हमारा ये पी है, ये है, ये है, सब कुछ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब एक के नीचे एक आ रहे हैं, मतलब सब लाइन बाई लाइन है, बस इसके अंदर यहाँ पर इसको स्पेस नहीं मिला तो ये एक के नीचे एक आ चुका है, ठीक है, वरना ये सब सीधाई में है, ठीक है, क्योंकि एंकर टैक्स है, ये सब सीधाई में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, ये देखिए अब ये लाइन में पूरा पूरा ले रहा है क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स ही काम करता है। और हम एक और प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, सेव करूँगा तो ये सबको रो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था, देखिए जैसे मैंने इसको किया, अब ये इतना पार्ट ये वाला है, इतना पार्ट ये वाला है। अब मैं इसको ये करता हूँ कि यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिब हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में गैप चाहिए, इसके अंदर में गैप चाहिए, ठीक है। तो हमने इस वाले को आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लास दी थी, मतलब इन दोनों को डिस्प्ले फ्लैक्स किया था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, ठीक है, स्पेस बिटवीन। तो जैसे मैंने स्पेस राउंड किया तो आप देख सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी विड्थ इतनी ही है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर दूँ, बॉर्डर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह ही नहीं है तो ये स्पेस कहाँ से लेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको विड्थ कर दूंगा मैं 100% करूंगा अगर, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा तो जब मैं इसको 2x2 में तोड़ूंगा, मतलब रिस्पॉन्सिव के टाइम, तो जो ये वाली लाइन है वो एक यहाँ पे दिखेगी और जो ये वाली लाइन है वो यहाँ पे दिखेगी, तो बहुत दूर दूर दिखता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा 50%, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अब 50% ये इसमें तो सही दिख रहा है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो वो सही दिखेगा, ठीक है। और हमने स्पेस अराउंड इसलिए किया, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको स्पेस बिटवीन करूँ, ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे स्पेस बिटवीन, जो कि क्या करता है इन दोनों को दूर दूर कर देता है, ठीक है, यहाँ को और यहाँ को। अब आप देख सकते हैं अगर मैं बॉर्डर हटाऊँ, एक चीज़ है कि ये दोनों में गैप तो ठीक है लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ साथ लग रहे हैं, तो ये दोनों आपस में अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए हम क्या करेंगे स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड से ये क्या करता है साइड की प्रॉप साइड में भी गैप लगा देता है और दोनों के बीच में ले आता है, ठीक है। तो देखिए अब ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है जो कि चलता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और धक्का मार सकते हैं इधर मार्जिन लगा के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इस वाले को अलग से, मतलब इस क्लास को नाम लीजिए फर्स्ट पार्ट, मार्जिन लेफ्ट कर दीजिए ताकि आपको स्पेस हर जगह सिमिलर दिखे, तो आप कर सकते हैं, जो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब जो हमारा पी वाला पार्ट है लिंक्स के अंदर, जो हमने पी बनाया था, जो ये हेडिंग है बेबी कलेक्शन क्विक रिएक्शन क्विक लिंक्स, ठीक है, फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.2 RAM, फॉन्ट वेट कर दूंगा 500, मार्जिन बॉटम कर दूंगा 2 RAM, ठीक है, स्पेस सेव करा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें गैप मिल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे भी, और इनको आप करेंगे, इनका काम हो चुका है सब कुछ, ठीक है। अब इनकी बारी है, ये बहुत सिंपल है। लिंक्स के अंदर हमने क्या लिखा था, तो लिंक्स के अंदर हमारे एंकर टैग हैं, सब सब कुछ एंकर है, आपको पता है सब कुछ एंकर टैग है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन हटाएंगे, टैग डेकोरेशन कर दूंगा मैं नन, ठीक है, कलर कर दूंगा मैं ग्रे, ग्रे करना है ग्रे, ठीक है, फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.1 RAM, ठीक है, फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं 400, मार्जिन बॉटम बात नहीं जाता हूँ आपको, सेव किया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब इनके बीच में थोड़ा गैप चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे मार्जिन बॉटम, ठीक है, मतलब इसके नीचे मार्जिन बॉटम जितना हम देंगे 0.5 RAM का, ठीक है, और इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है, सबके नीचे नीचे मार्जिन बॉटम मिल जाएगा, सेव किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस हमें मिल चुका है और सब इक्वली लाइन में है, ठीक है। और ये भी, ये वाला आपको थोड़ा नीचे लग रहा है लेकिन क्योंकि ये इसकी मेन लेंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है पूरा का पूरा, बस ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है हमें, ये हमारा बन चुका है। अब बारी है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे जाऊँ तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत गंदा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे आपका डिज़ाइन ख़राब हो रहा है मेरे हिसाब से, मैं 988 पे इतना चिपक जा रहा है, और यहाँ पे भी तो हम 1000, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, 1000 पे मैं उसको सही करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एट द रेट मीडिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉलम के अंदर मैक्स WDTH विड्थ 1000 पिक्सल, ठीक है, 1000 पिक्सल पे आके जो हमारा डॉट न्यूज लेटर है, ठीक है, जो हमारा ये वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें 3 चाइल्ड है हमारे, एक ही एक ही एक ही है, इसको हम करेंगे क्या,
फ्लेक्स डायरेक्शन हमें कॉलम में दिखाना है, ठीक है। मोबाइल साइज में हमेशा एक के नीचे एक होता है, अभी ये डेस्कटॉप के हिसाब से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे गैप चाहिए, और इसको हम फुल स्क्रीन पर करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम गैप देंगे, जो कि गैप 2 रैम होगा, 2 रैम होगा, ठीक है। सेव करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे गैप मिल चुका है। आइकन्स को छोड़िए, वो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बार बार जा रहे हैं वो नेटिंग है इसलिए, ठीक है। तो अब बारी हमारे डॉट शॉप लिस्ट की, ठीक है। अब उससे उससे पहले मैं इसको सही सही कर देता हूँ। अब जो हमारा ये वाला है, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाना है। तो डॉट सब्सक्राइब, क्या नाम था इसका, सर्च कंटेनर, इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100%, ठीक है। सेव करता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, 100% पर आ चुका है। और ये नॉर्मल इस पर ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आऊँगा तो थोड़ा और अजीब लगता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे रखा। वरना आप चाहे तो इसकी विड्थ जो आपने 30 CH दी थी, इसको 100% कर देंगे, तो ये अपना पूरा विड्थ ले लेगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है। अब बारी है इनकी, ठीक है, इन लोगों की, इन लोगों को पकड़ते हैं। डॉट शॉप लिस्ट जो हमारा था सेम, इसके अंदर भी आपको पता है कि 3 चाइल्ड हैं, कि ये इन दोनों को मिला के एक और इसको मिला के एक, ठीक है। 3 चाइल्ड है, 1 2 3, मतलब 1 2 3, ठीक है। सेम करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। सेव करता हूँ मैं। फिर देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए विड्थ में 50% ही लिए, तभी ये यहाँ पे इतना पास पास है, ठीक है। और अगर मैं इसको विड्थ 100% देता ना, तो यहाँ पे आता है यहाँ पे कहीं, तो बहुत बुरा लगता। तो अब हम इसको अलग से विड्थ दे देंगे, ताकि ये यहाँ पे कहीं पे आए, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। तो अब हम कर देते हैं विड्थ इसको, मैं इसके क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था डॉट फर्स्ट पार्ट कॉमा, क्योंकि इन दोनों को करेंगे, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये नॉर्मली सही है। डॉट सेकेंड, सेकेंड SPCO सेकेंड पार्ट, दोनों को एक साथ करेंगे जैसे वहाँ पे किया था। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक तो पहले तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैप आ रहा है, मुझे इसको अलाइन में रखना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया था, ताकि ये इधर से भी स्पेस ले, इधर से भी स्पेस ले, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे हमें एक गैप मिल चुका है, ठीक है। आप चाहे तो इतना गैप रख सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत जल्दी यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अपना बहुत जल्दी तोड़ना पड़ेगा उसके, अपने डिज़ाइन को, ठीक है, मोबाइल के अकॉर्डिंग। तो हमें इतना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको बड़ा करेंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और बड़ा दिखे। मतलब यहाँ पे नॉर्मल ही है, हम इसको थोड़ा विड्थ दे देंगे, और मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 70%। अगर आप 100% देंगे तो मैं बताता हूँ कितना होता है, गंदा लगता है ये मुझे, ये तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बहुत कोने में चला जाता है, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा 70%, ठीक है। विड्थ मुझे परसेंट में दीजिए, पिक्सल में बहुत कम दीजिए, जहाँ पे रेयर केस है, जहाँ पे फिक्स ही होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब आप देखना हमारा डिज़ाइन कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। सेव किया, आप आइकन्स भी आ चुके हैं हमारे, अब देखना डिज़ाइन आपको कहाँ पे सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे चलता हूँ, ये भी नॉर्मली अपने हिसाब से हो रहा है, इन दोनों की तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट, लेकिन हमारा ये वाला पार्ट देखिए कितना क्लोज आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 540, मैंने 540 यहाँ पे जाके मैंने डिज़ाइन को एक लाइन में तोड़ दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो और करीब ला सकते हैं यहाँ पे, और ला सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 480 पे तोड़ सकते हैं, ठीक है, मैं 540 पे तोड़ता हूँ। तो मैं आप सकता हूँ 540, और मैं यहाँ पे एक और मीडिया का भी लगाऊंगा, @media, और विड्थ दूंगा मैक्स विड्थ PTH विड्थ 540 पिक्सल, ठीक है। और 540 पिक्सल के अंदर जो हमारा डॉट फर्स्ट पार्ट था और जो हमारा डॉट सेकेंड पार्ट था, इसको हम क्या करेंगे, इसको कर दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, ताकि ये साइड बाय साइड आ सके, और इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था साइड बाय साइड आ सके। और हम क्या करेंगे, फ्लेक्स कॉलम कर देंगे, तो ये एक के नीचे एक आ जाएगा, और ये चारों एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रही है, ये सब एक के नीचे एक आ तो गए हैं, आप देखिए रिस्पॉन्सिव भी है पूरा, ठीक है, छोटे स्क्रीन पर, मतलब कहीं पे जाके डिज़ाइन ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया,
ठीक है, इसकी वजह से, ओ सॉरी, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, यहाँ पे हमें चाहिए भी नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है 360 तक, ठीक है, 360 तक अच्छा होना चाहिए। उससे नीचे की स्क्रीन कोई चलाते नहीं है, तो मैं और मेहनत नहीं कर रहा इस पर, ठीक है। आप चाहें तो इसको 100% कर दीजिए इसको विड्थ, ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विड्थ हमने इसको फिक्स दे रखी है, तभी यहाँ पे डिज़ाइन ख़राब हो रहा है। वरना जब इसको 100% करेंगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये नीचे आ रहा है, जैसे कि ये अपने आप नीचे आ रहा है, देखिए आप, ये अपने आप नीचे आ रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर अपने आप ही नीचे आया, और भी नीचे आया, तो ये भी, ये टेक्स्ट भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसकी टेंशन मत लेना कि क्यों हो रहा है ख़राब, चाहे तो इसको 100% विथ कर देना और ये अपने आप नीचे आता रहेगा, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन और छोटी स्क्रीन पर भी सही हो जाएगा, मतलब 280 पे, 280 पे हमारा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, आपका डिज़ाइन वहाँ पर भी सही दिखेगा, ठीक है। तो मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इसके लिए बनाओ 360 तक, आपका डिज़ाइन परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, इसको रिस्पॉन्सिव बहन देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये देखिए, यहाँ पे हमारा सही है, यहाँ पे भी सही है, लेकिन इसके नीचे हमारा स्पेस नहीं है, और इसके नीचे भी हमारा स्पेस नहीं है, तो अजीब लग रहा है, ठीक है। तो मैं इक्वल स्पेस लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चलता हूँ मैं, और डॉट लिंक्स के अंदर जो हमारे पैराग्राफ थे, मैं मार्जिन टॉप कर दूंगा मैं 2 रैम, ज़्यादा नहीं, 2 रैम, ठीक है, सेव किया। तो देखिए यहाँ पे गैप मिल चुका है बॉटम से, यहाँ पे भी मिल चुका है, यहाँ पे तो पहले ही था, बस हमें यहाँ पे चाहिए था, ठीक है, टॉप से, क्योंकि ये वाला चिप अगर आप यहाँ पे, और ये वाला चिप अगर आप यहाँ पे, तो हमने टॉप से 2 रन दे दिया है, ठीक है। तो आई होप डिज़ाइन पूरा बन चुका है, हाँ डिज़ाइन पूरा बन चुका है। और कुछ है क्या, बटन, अच्छा इसको भी तो नीचे लाना है यार, मैं भूल ही गया था, ठीक है। तो जब ये जाएगा 540 पे, ठीक है, 540 पे, 535 पे, तो ये भी नीचे ले आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जाकर बहुत छोटा जा रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं करूँगा 540 से नीचे, ठीक है, 540 पे ले आता हूँ, 544 पे आइए, 531, ठीक है, जब मैं करूँगा इसके नीचे, तो यहाँ पे हम चलेंगे डॉट सर्च कंटेनर जो था, सर्च कंटेनर, उसको मैं कर दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ऑब्वियसली, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट किया था मैंने, यहाँ पे थोड़ा गैप देने के लिए इसको, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा गैप है, तो ये मार्जिन यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये बटन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लूँगा सर्च कंटेनर के अंदर जो हमारा बटन था, एक ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही प्रॉपर्टी, मतलब जैसे आपने वहाँ पर लिखा है वैसे लिखना है, जैसे ही अगर आपने ऊपर सर्च कंटेनर के अंदर लिखा ना बटन, देखिए यहाँ पे जाऊँगा तो मैं, बटन वाला पार्ट का है, सर्च कंटेनर उसके बाद बटन लिखा है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, तब अगर अगर आप नॉर्मल लिखते हैं तो आपको नॉर्मल लिखना पड़ेगा सिर्फ बटन, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फ्लेक्स डायरेक्शन में, मतलब मीडिया के बीच में ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही लिखें, कभी कभी डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, या फिर मीडिया को भी इस काम नहीं करती, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। जैसा आपने ऊपर लिखा है क्लासेस के नाम, और जिस जिस स्ट्रक्चर से लिखा है कि पहले ये फिर वो फिर ये, तो उसी स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है, वरना काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं कहूँगा मार्जिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो पहला का होता है टॉप से, ठीक है, हमें ऊपर से गैप चाहिए होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप चाहिए होगा, तो मैं 1 रैम कर दूंगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, मतलब उसके बाद जो आता है राइट से, ठीक है, तो राइट से 0, हमें राइट से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर आता है बॉटम से, मैं बॉटम से भी स्पेस नहीं चाहिए। फिर आता है हमारा यहाँ से, यहाँ पर हमने 2 रन दिया था, मतलब लेफ्ट से 2 रन दिया था, तो हम इसको कर देंगे 0, ठीक है, सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एकदम नॉर्मल हो चुका है, एकदम लाइन में आ चुका है। हम क्या करेंगे, विड्थ कर दूंगा मैं इसको 100%, सेव करता हूँ। तो देखिए विड्थ 100% हो चुका है परफेक्टली। अब इस टेक्स्ट को लाएंगे बीच में, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव करता हूँ, खत्म, ठीक है। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा हमारा बन चुका है। मैं हेडर बनाना भूल गया, छोड़ो हेडर को किसको पड़ी है, अब हमारा फुटर बनाना काम था, फुटर हमारा बन चुका है। 345 तक तो हमारा डिज़ाइन सही आ रहा है एकदम, आप देख सकते हैं 300 कहाँ तक सही आ रहा है, यहाँ तक, ठीक है, 301 पे सही आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सही है, 360 पे हमें चाहिए था, ठीक है। देखिए एकदम परफेक्ट किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं, ओके, 280 वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, जो कि चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये देखिए सरफेस 2 हो, गैलेक्सी A51, और क्या सैमसंग S20 अल्ट्रा, iPhone XR, ठीक है, और सही है सब चंगा से। मैं 50% करूँ तो बड़े स्क्रीन पर भी देख लेंगे, ये देखिए इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे एकदम एक सेंटर में आ रहा है, आइकन कहाँ चले जाते हैं आइकन, ठीक है। तो ये देखिए एकदम अलाइन में है सब कुछ, यहाँ पे सब एकदम परफेक्ट, ठीक है, सब कुछ चंगा से, ये देखिए, ठीक है, एकदम मज़ा आ गया।
ओके, इसको मुझे नीचे लाना है तो हम ला देते नीचे। आपको बस फुटर बनाना आ गया ना, वरना तो ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे दिखाई देते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थर्ड एच ए डी या हेडर, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 BH। ठीक है, सेव करता हूँ। ठीक है, 100 BH इसने पूरा ले लिया। अब जैसे 100 BH खत्म होगा, ये हमारा फुटर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेबसाइट होगा, यहाँ पे खत्म। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा और नया सीखने को मिला होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा सिस्टम बहुत ही ख़राब चलता है, बहुत ही स्लो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जब यूट्यूब से भी कुछ होगा तो मैं सिस्टम चेंज कर लूँगा। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे पेटीएम के लिंक्स हैं, गूगल पे के। आप चाहे तो कुछ डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।